नमस्कार साथियों, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए। तो अभी अपनी मोबाइल के स्क्रीन पर जिस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो यू आर स्मार्ट मेकर के जो तारिक भाई हैं वो क्या कर रहे हैं, पहले बंदे के पीछे हाथ डाल रहे हैं, उसके बाद बंदे को पकड़ ले रहे हैं। तो गाइस, आप भी अगर इस तरह का वीडियो बना के यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स पर अपलोड करोगे तो दोस्तों आपका जो वीडियो है वो वीडियो वायरल हो सकता है। तो यार, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको यहाँ पे तीन बंदों का जरूरत पड़ने वाला है। पहला है वो आप खुद, दूसरा है जो बंदा आपका पीछे से आएगा, और तीसरा जो है वो कैमरे के पीछे से मॉनिटर करेगा कि आप हाथ सही से डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो। अब आपको यहाँ पर अपने फोन को ट्राइपॉड पे माउंट करना होगा। उसके बाद गाइस, आप यहाँ पर कुछ इस तरह से एक्टिंग कीजिएगा जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इस टाइप से आपको यहाँ पर एक्टिंग कर लेना है। अब जैसे गाइस आप यहाँ बंदे के पीछे आप हाथ डालोगे तो गाइस आपको यहाँ बस करना इतना ही है, उस बंदे को बोल देना कि भाई तू अभी फ्रेम से बाहर चला जा। जैसे फ्रेम से वो हाथ चला जाएगा, आपको यहाँ पे अपना हाथ को मुट्ठी कर लेना होगा जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है। इस टाइप से आपको यहाँ पर एक वीडियो को शूट कर लेना है। बाकी वीडियो का लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, चलिए मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन को लेके चलता हूँ, देन आपको वहाँ पर दिखाता हूँ कैसे दोस्तों आपको वीडियो को एडिट करना है। दोस्तों, ऐसा वीडियो एडिट करने के लिए आपको VN वीडियो एडिटर ऐप को ओपन करना होगा, और अपना जो रिकॉर्डिंग किया हुआ रॉ फाइल है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करके टाइमलाइन पर ले आइएगा। तो दोस्तों देख सकते हो, मेरा जो रिकॉर्डिंग किया हुआ रॉ फाइल है उसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है। अब दोस्तों आप अपने वीडियो को जो वॉल्यूम है, आप यहाँ पे वॉल्यूम वाले ऑप्शन में जाके 0% कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों इस वाले वीडियो में बाहर का कुछ भी ऑडियो ना रहे। अब आपको अपना वीडियो को प्ले करना है, और जहाँ पर अपना हाथ को पीछे तरफ ले जा रहे हो उससे जस्ट पहले आपको आना होगा। आने के बाद साथियों, अभी आप यहाँ पे नीचे में अगर देखोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक फ्रीज का ऑप्शन दिखेगा, आपको फ्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देख सकते हो यहाँ पर एक फोटो आ चुका है, अब इस पर वो क्लिक करना है। वीडियो को स्टॉप कीजिएगा, स्टॉप करने के बाद साथियों अभी आपको यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना होगा, और मेरा यहाँ पे क्रॉप करने का सिस्टम है तो मेरा जो स्क्रीनशॉट है उसी जगह को दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पर मैं क्रॉप कर लूँगा। क्रॉप करने के बाद इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद साथियों अभी आपको इस वाले वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, जहाँ पर आपको बैकग्राउंड इरेजर ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ पर गए, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है उस वाले स्क्रीनशॉट को आप यहाँ पर ऐड कीजिएगा। ऐड करने के बाद साथियों अभी आपको ये जो पीछे वाला बंदा है इसी को बस गाइस आपको रखना होगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको गाइस कुछ इस तरह से आप यहाँ पे इरेज करके हटा लीजिएगा। तो मैं गाइस ये जो काम है थोड़ा यहाँ पे जल्दबाजी में कर लेता हूँ, बिकॉज ये थोड़ा मेहनत वाला काम है, ठीक है? जितना आप इसको अच्छे से करोगे आपका वीडियो उतना ही बढ़िया दिखेगा। तो यार, ये जो काम है मैं झट से यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे फोटो का जो बैकग्राउंड है मैंने यहाँ पे रिमूव कर लिया है, और यहाँ पर मेरा बंदा अकेले खड़ा हो गया, ठीक है? अब आपको यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आप अपना फोटो को सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद साथियों वापस से VN ऐप के अंदर जाना है, और आपने जो फ्रीज किया था इस वाली फोटो को अभी आप यहाँ पे डिलीट करके हटा देना होगा। हटाने के बाद साथियों अभी आपको यहाँ पे यहाँ से आपको आना होगा। आने के बाद साथियों अभी आप एड स्टिकर एंड PIP वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन में जाके आपने जो फोटो यहाँ पर सेव किया है उस वाली फोटो को आपको ऐड करना होगा। यहाँ पर गाइस आपको फिल पे क्लिक करना है, इसलिए दोस्तों मैंने वहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है उसको अच्छे से एडजस्ट करने बोला है। अभी फिल पे जैसे क्लिक करोगे उसी जगह पर गाइस ये जो स्क्रीनशॉट है मेरा यहाँ पे बैठ जाएगा। अब इसका जो ड्यूरेशन है दोस्तों आप यहाँ पे बढ़ाइएगा। अब मैं अपना वीडियो को प्ले करता हूँ, जैसे तो यहाँ पर मेरा इस हाथ के बंदा के पीछे मैंने यहाँ पे हाथ डाल दिया है, ठीक है? अब यहाँ पर मैं इसका जो ड्यूरेशन जस्ट थोड़ा ही रखूंगा। यहाँ पर मैं करता हूँ एक बार स्प्लिट। अब यहाँ पे क्या करता है, इस फ्रेम में अगर देखोगे तो बंदा यहाँ पर मतलब यहाँ से आगे तरफ मेरा आ जाता है। अब जहाँ पर मैं अपना मुट्ठी को बंद कर रहा हूँ उस जगह पे मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? तो इस जगह पे दोस्तों मैं जाके स्प्लिट करूँगा, और ये वाला जो पार्ट है मेरा बेकार पार्ट है जिसको दोस्तों मैं यहाँ पे डिलीट करके हटा दूंगा। अब गाइस मैं यहाँ पर दिखता हूँ वीडियो को प्ले करके, तो कुछ इस तरह से मेरा वीडियो दिख रहा है, देख सकते हो कुछ इस टाइप से। अब थोड़ा गाइस इसका जो ड्यूरेशन है मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, ठीक है? थोड़ा डबल फिंगर की मदद से वीडियो को थोड़ा फैलाता हूँ। अब थोड़ा इसका ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा, थोड़ा जस्ट बढ़ाने के बाद साथियों अभी इस वाले क्लिक। अब दोस्तों मैं यहाँ पे मोशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं आउट एनिमेशन में जाऊंगा, स्पिन में यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, और ये वाला जो है डबल टैप करके इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, और कुछ इस तरह जितना हो सके इसको मैं उतना कम रखूंगा, ठीक है?
जितना हो सके उतना इसको मैंने यहाँ पर कम कर दिया है। अब आपको ओके प्रेस कर लेना होगा। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ से वीडियो को प्ले करके अगर दिखाऊं तो देखते हैं कुछ इस तरह से बंदा यहाँ पर गायब हो जा रहा है। अब गाइस आपको यहाँ पर जितना आपके वीडियो में आप एक्टिंग किए हो उतना दूर तक गाइस आपको पार्ट को रखना है और बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को आपको यहाँ पर एडिट करके हटा देना होगा। अब आप यहाँ पर शेयर पर क्लिक करके अपना वीडियो को एक बार सेव कर लीजिएगा, बिकॉज इस वाले वीडियो में अभी एनिमेशन डालना बाकी है, तो वीडियो को छोड़ के मत जाइए, ठीक है? नहीं तो बढ़िया आपका वीडियो नहीं दिखेगा, फिर गलिया होगा मेरे को ही, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को छोड़ के जाने का जरूरत नहीं है। अब बैक कीजिएगा दोस्तों, यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाके आपने जो वीडियो बनाया है उसी वाले वीडियो को आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद साथ ही अभी आपको यहाँ पर जाना होगा जूम वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर आप इनको सिलेक्ट कर लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर मेरा धीरे धीरे जूम हो रहा है, सो मैं ओके प्रेस करूँगा और यहाँ पर मैं अपने वीडियो को थोड़ा जूम भी कर दूंगा, ठीक है? मैं इसको अपने हिसाब से किया हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब फाइनली आप मेरे वीडियो में देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर धीरे धीरे वीडियो मेरा जूम हो रहा है और जैसे ही मैं यहाँ पर मुट्ठा कर दे रहा हूँ यहाँ पर मेरा गायब हो जा रहा है। और ये जो ब्लैक वाला बैकग्राउंड इसको आप डिलीट करके हटा दीजिएगा और वीडियो को सेव करने के लिए शेयर पर क्लिक करके 1080p60fps पर अपना वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा। तो गाइस आपने अगर मेरे लास्ट दो वीडियो को नहीं देखा है तो इन दोनों जगह पे क्लिक करके आप देख सकते हो। यहीं कहीं पर आपको मेरे चैनल का लोगो दिख रहा होगा जिस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेटिंग वाले वीडियो के टिटल के साथ। बाय बाय, टाटा, नमस्कार।